नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रेवा जिले के रायपुर कर्सुलियान थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पहाड़िया में संचालित शासकीय दरिया प्लांट में भीषण आगजनी की घटना हुई है। आगजनी की इस घटना के दौरान तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। दमकल की 3 गाड़ियों ने पूरी रात मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। आगजनी की सूचना पर घटनास्थल पहुंचे अधिकारियों ने फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें, रीवा शहरी क्षेत्र से महज 15 किलोमीटर दूर रायपुर कर्सुलियान थाना क्षेत्र के ग्राम पहाड़िया में शासकीय दरिया प्लांट संचालित है, जहां रीवा सहित आसपास के 7 जिलों में दरिया सप्लाई की जाती है। इसी दरिया प्लांट में बीती रात्रि लगभग 8 बजे अचानक अज्ञात कारणों से बोरियों से आग की लपटें निकलने लगी और देखते ही देखते वह भीषण रूप धारण कर ली। इस बीच मिल में तैनात कर्मचारियों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद रायपुर कर्सुलियान सिरमौर और रीवा से दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और पूरी रात मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। बताया गया है कि आगजनी की इस घटना के दौरान बोरिया सहित दरिया निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां और कुछ मशीनरी जलकर खाक हो गई है। पुलिस के मुताबिक आगजनी की इस घटना में 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान फिलहाल शुरुआती दौर की जांच में बताया गया है। पुलिस अब इस बात का पता लगा रही है कि आगजनी की भीषण घटना कैसे हुई है।